Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Now I will give you the guidelines of chapter 56 nematodes. This chapter is very important. इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एस सी क्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से एम सी क्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हमारे पास आते हैं इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स. इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स में हमारे पास एंट्रोबियस, ट्राइक्यूरिस, एस्कैरिस, स्ट्रोंगिलॉयड, ट्राकिनेला और एनसाइटोस्टोमा इंडिकेटर आते हैं. इसकी हम सबकी डिटेल्स देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन. इस पेज से आपने जस्ट एक दफा इसको रीड आउट करना है और जो बोल्ड वर्ड्स हैं फिलेरीफॉर्म और रेबडिटी फॉर्म का आपने डिफरेंस देखना है. बाकी और कुछ इसमें से याद रखने की जरूरत नहीं है. टेबल 56.1 इज इम्पोर्टेंट. इसको पूरे को आपने रीड आउट करना है. बेसिकली पूरे चैप्टर की समरी है. इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. ट्रीटमेंट आपने नहीं करना, ये आपका फार्माकोलॉजी का पार्ट है. फिर है इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स में सबसे पहले आपके पास एंट्रोबियस. एंट्रोबियस को आप अच्छे से एस सी क्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे. ईच एंड एवरी थिंग ऑफ एंट्रोबियस इज इम्पोर्टेंट. डिजीजेज में आपने डिजीज के सारे नेम्स याद रखने हैं. इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी देखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होता है और बाकी थोरली इसको रीड आउट करें. ठीक है. पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरी की पूरी अच्छे से लर्न करनी है एस सी क्यू के लिए और इसमें से एम सी क्यूज भी आते हैं. टेबल 56.2 इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एम सी क्यूज. ये भी एक समरी है. इसको अपने होल अच्छे से याद रखना है. टेबल्स के लिए आप बेसिकली ये क्या करें कि थ्योरी को रीड आउट करके टेबल्स को याद करें और थ्योरी को रीड करके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो टेबल के साथ लिख लें ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको परेशानी ना हो. एपिडेमियोलॉजी आपने नहीं करना. लैब डायग्नोसिस में आपको पता होना चाहिए कि स्कॉच टेप टेस्ट करता है. और इसके अलावा इसके जो स्टूल्स में आपको एग्स नहीं नजर आते, ये एम सी क्यूज भी हैं. एस सी क्यूज भी आप लिखेंगे और ये एम सी क्यूज हैं दोनों. ठीक है. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपने नहीं करना. फिर हमारे पास आता है ट्राइक्यूरिस. ट्राइक्यूरिस भी इंपॉर्टेंट है एस सी क्यू के लिए भी और एम सी क्यूज के लिए भी. ठीक है. इसकी आप डिजीजेस भी देखेंगे, इसकी आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी देखेंगे. पैथोजेनेसिस भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. टेबल 56.3 इज इंपॉर्टेंट बेसिकली फॉर द एम सी क्यूज. ये पूरी की पूरी चैप्टर की एक समरी दी हुई है. ठीक है. ये टिश्यू नीमाटोड्स की बेसिकली समरी है. इसको आपने अच्छे से करना है. ठीक है. बहुत अच्छे से इस टेबल को करना है. एम सी क्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ साइकिल में आप पैथोजेनेसिस में भी आपकी लाइफ साइकिल ही आता है. अगर आपसे पैथोजेनेसिस पूछी जाए तो भी आप लाइफ साइकिल ही ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ भी करना आना चाहिए आपको, लेबल भी करना आना चाहिए और इसके स्ट्रक्चर्स भी सारे आपको पता होने चाहिए इन केस आपसे ऑस्ट्री में अगर पूछ लिया जाए. पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, सारी अच्छे से करनी है आपने. इसमें विप लाइक अपीयरेंस होती है, ये भी पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए. रेक्टल प्रोलैप्स होता है इसमें. इसके अलावा फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट फिगर. इस फिगर को आपने देख लेना है. ठीक है. इसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं और कभी आपको ओएसपी में भी ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए जा सकते हैं. तो इसको आपने थोरली रीड आउट करना है, इस पूरी समरी को. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपने नहीं करना. नेक्स्ट है फिर हमारे पास एस्कैरिस. एस्कैरिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है. ये मोस्टली प्रोफ में रिपीट होता है. इसको आपने हर चीज अच्छे से करनी है. डिजीजेस का पता होना चाहिए. इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से रीड आउट करनी है और इंपॉर्टेंट पॉइंट सेपरेट लिख लेने हैं आपने. पैथोजेनेसिस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और ये फिगर 56.3 आपको ड्रॉ भी करना आना चाहिए और ये ओएसपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है. इसमें से एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं. इसके अलावा Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions are given in this book, chapter pulls are given to help you ace your MCQs exams, besides this, forensic summaries are added, and important pictures from Big Robins and OSPI pictures in high resolution are added to help you ace your OSPI exams. Besides this series for SCQ and OSPI, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 663 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.